देखो भाई एक चीज ना स्टूडेंट्स में कॉमन पाया जाता है और ये चीज नहीं करने की वजह से उनके बहुत सारे पेपर में केटी आने का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है जो मैं आपको बताने वाला हूं और भाई अगर आप उसमें से एक हो अगर आपसे भी ये गलती हो रही है जरूर कॉमेंट करना कि हाँ सर अभी तक ये चीजें सच में फील करता था और ये चीजें मेरे से भी होता था तो देखो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना जो अपनी गलतियों को मानता है ना वही आगे बढ़ता है तो गलतियों को एक्सेप्ट जरूर करना या तो जरूर कमेंट नहीं कर रहे पर फील जरूर करना कि हाँ ये चीजें मेरे से होती थी अब मैं अगर आपको बताऊं कि देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंटिन्यू स्टडी करते हैं डेली स्टडी करते हैं बट उनके स्टडी करने का फॉर्मेट सही नहीं होने की वजह से उनका इतना हार्डवर्क करने की वजह से भी उनका जो रिजल्ट होता है रिजल्ट पे उतना हार्डवर्क जितना उन्होंने किया उस हिसाब से उनका रिजल्ट दिखता नहीं है तो उनको और टेंशन आता है वो और डिफ्रेस हो जाते हैं यार तेरा भाई जो डेली पढ़ाई करता है डेली स्टडी करता है डेली सब चीजें करता है और दूसरा एक बंदा है जो कम टाइम में कम टाइम ही स्टडी को देता है फिर भी बहुत ज्यादा स्कोर करता है ऐसा क्यों क्या क्या हो रहा है ऐसा तो भाई सबसे बड़ा उसके पीछे का रीजन क्या पता है आप जो याद कर रहे हो ना डेली पढ़ रहे हो डेली पढ़ रहे हो और डेली पढ़ने के चक्कर में जैसे आज आपने फर्स्ट मॉडल पढ़ा कल सेकेंड पढ़ा परसों थर्ड पढ़ा और जब थर्ड तक जा रहे हो तो फर्स्ट और सेकेंड आपके दिमाग से उड़ चुका है फिर से आप जो फिफ्थ पे जा रहे हो सिक्स पे जा रहे हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उड़ चुका हुआ है फिर से आप जो फर्स्ट पढ़ने जाओगे तो वही सेम टाइम आप दोगे जितना टाइम आपने फर्स्ट मॉड्यूल के स्टार्टिंग में दिया था तो भाई फिर से फिर जब आप फर्स्ट करने जा रहे हो तो सेकंड थर्ड फोर्थ जो आपने याद किया सब दिमाग पर से गया और ऐसे करते करते हमारा एग्जाम नजदीक आ जाता और एग्जाम के दिन हम सब लेके बैठते हैं इधर उधर करने के चक्कर में और हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं रहता और फिर रिजल्ट पे उसका असर दिखता है तो हमें क्या करना पता है मैंने देखो इस बार का जो टाइम मैनेजमेंट दिया हुआ है उसके अंदर रिवीजन का टाइम दिया है क्योंकि ये जो टाइम मैनेजमेंट का मैंने जो वीडियो बनाया हुआ ये आपके एग्जाम के मतलब अब एग्जाम को एक ही महीना लगभग एक महीना बचा हुआ है और उस एक महीने को किस तरह से करना उस हिसाब का मैंने टाइम मैनेजमेंट दिया हुआ है तो भाई अब एक तरीका बता रहा हूं देखो

तो फर्स्ट और सेकेंड मॉड्यूल के लिए आपको थर्टी मिनट्स देना है देन इसके बाद चौथे दिन गए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फोर्थ मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को फिफ्टीन फिफ्टीन मिनट्स दे देना है। या तो रिवाइज करने में जितना टाइम लग रहा है उसको दे देना है क्योंकि क्या होगा इससे पता कि आप ऐसे ऐसे करके एग्जाम के नजदीक आ जाओगे और आपके दिमाग में से कोई चीजें गायब नहीं होगी और सभी चीजें आपके दिमाग में परफेक्ट बैठी रहेगी और कुछ भी उड़ेगा नहीं नहीं तो क्या होगा पता है जैसे आप पढ़ते जा रहे पढ़ते जा जाओ एग्जाम के नजदीक जब पहुंचोगे तो आपने देखा जो उस समय पढ़ रहे वही आपको आता है

उसके अंदर एक टाइम और हम बना देंगे कि भाई मुझे ये पूरा करने के बाद सुबह भले मेरे चार मॉड्यूल है पर उसमें एक मेरा एक सुबह का मॉर्निंग का टाइम रहेगा रिवीजन करके तो ही मैं एग्जाम में जाऊंगा ये उस दिन का टाइम है जिस दिन हमारा एग्जाम है पर अभी का जो टाइम जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से फॉलो करना पक्का बोल रहा हूँ नहीं करोगे यार बहुत परेशानी होगी पक्का बोल रहा हूँ और फिर वही गधा मजूरी होगी कि फिर से एक दिन फिफ्थ चले गए फिर फर्स्ट के लिए उतना ही टाइम दे रहे हो जितना टाइम आपने पहले दिया हुआ है तो मेरी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी तो भाई अपना जो सपोर्ट है मेरे इंस्टाग्राम पे भी दिखाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हुआ है फटाफट फट जाके वहाँ फॉलो करो एंड जो भी चीज़ें चाहिए प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताओ तो मुझे चीजें पता चलती है थैंक यू सो मच गाइस जय हिंद दोस्तों